दोस्तों सबसे पहला काम आप मेरी ये वाली वॉइस सुनिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। अब दोस्तों आप मेरी ये वाली वॉइस सुनिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी आपने ये जो वॉइस सुना है इसको मैंने रिकॉर्ड किया अपने फोन से, और दोस्तों अब ये जो आपने वॉइस सुना है इसको मैंने एडिट किया है लेक्सस ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन में। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपनी ऑडियो को एडिट करके क्रिस्प एंड प्रोफेशनल बना सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी एडिटिंग सिखाने वाला हूं जो कि आपको यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं सिखाया होगा। चाहे आप कॉपी पेस्ट का काम करते हो या फिर AI के माध्यम से वॉइस को जनरेट करते हो या फिर आप अपनी खुद की वॉइस देते हो, दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हो तो आप हर टाइप की ऑडियो को एडिट करना सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको बताता हूं कि ऑडियो को एडिट कैसे करना है। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। अब दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम लेक्सस ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है और उसको यहां से ओपन कर लेना है। जब दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहां पे अपनी उस ऑडियो को इंपोर्ट करना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। तो उसके लिए यहां पे आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आपने जिस भी फोल्डर में अपने ऑडियो को रखा हुआ है सिंपल से यहां से ओपन कर लेना। तो मान लीजिए मैं इस वाली ऑडियो को यहां पे एडिट करने वाला हूं, तो इसको यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे ओपन पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पे ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपकी जो ऑडियो होगी वो टाइमलाइन में आ जाएगी। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारी जो ऑडियो है वो यहां पर आ गई है। अब यहां पे दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ऑडियो के बीच में यहां पे स्पेस आ रहा है, इस पार्ट का कोई मतलब नहीं, इसको हटाना है, तो यहां से आप इसको हटा भी सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको आगे का टाइमलाइन मिलता है जस्ट आपको यहां पे पकड़ करके लाना है और यहां से आपकी ऑडियो लगता है कि यहां से आपको कट करना है यहां पे कर देना और पीछे वाला पार्ट कुछ इस तरीके से पकड़ना और यहां से ला करके इसको इतना कर देना। और उसके बाद दोस्तों यहां पे ऊपर साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है 3 डॉट का, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको कॉपी और कट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पार्ट को हटाना चाहते हो तो यहां से कट कर देना है, अगर आप इसका डुप्लीकेट करना चाहते हो तो यहां पे आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है। अगर यहां से आप कट करना चाहते हो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इतना करने बाद दोस्तों यहां से आपको बाहर आ जाना है। तो यहां पे आपका ये स्टेप कंप्लीट होता है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस ऑडियो को पूरा कट लगाने के बाद दोस्तों यहां पे अगर आपका ऑडियो सही तरीके से पूरा आ जाता है, अगर आपको इसमें कट नहीं लगाना है, उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, इस ऑडियो को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए यहां पे साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, जस्ट इस पर क्लिक करना है और यहां पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। तो यहां पे सबसे पहला काम दोस्तों आपको अपनी ऑडियो का जो बैकग्राउंड नॉइज होता है उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए यहां पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा नॉइज रिडक्शन का, जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको कुछ भी सेटिंग चेंजेस नहीं करना, जस्ट आपको सिर्फ अप्लाई करना है, यहां पे अप्लाई कर देना। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपकी ऑडियो के बैकग्राउंड में जो भी नॉइज होगा उसको यहां से उसको ये यहां से हटा देगा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो पहले का टाइमलाइन था वो दूसरे हिसाब से था, लेकिन आपका जो टाइमलाइन है यहां पे देख सकते हैं ये हट चुका है। यहां पर हमारी ऑडियो में जो भी यहां पे नॉइज था वो यहां से क्लियर हो चुका है। उसके बाद फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना और यहां पे थोड़ा सा नीचे आ जाना। अब यहां पे दोस्तों आपको कंप्रेसर पे क्लिक कर देना है और यहां पर इसकी भी सेटिंग को कुछ छेड़ना नहीं, जस्ट आपको अप्लाई करना है। अब यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टाइमलाइन में ऑडियो था अब वो यहां पर और भी चेंजेस इसमें आ चुके हैं। फिर से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना और यहां पे थोड़ा सा नीचे आ जाना। यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर का, जस्ट इस पर क्लिक करना। अब यहां पे दोस्तों यही मेन सेटिंग है, यहीं से आपको ध्यान से समझना है। तो आपको क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक की सेटिंग को आपको छेड़ना नहीं है, आप इन दोनों सेटिंग को और लास्ट में ये वाला सेटिंग को आपको छेड़ना है। इसको अगर चाहो तो आप ऊपर कर सकते हो और इनको अगर ऊपर नीचे करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो ऑडियो होगी जो आपकी वॉइस होगी वो थोड़ा सा दबी दबी लगेगी। यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना, इतना ही रहने देना, अराउंड 4-5 कर देना। और इसको अगर आप पूरा फुल कर दोगे तो दोस्तों आपकी जो ऑडियो होगी कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ज़्यादा फुल नहीं करना, इसको अराउंड इसको 10-12 रखना है, ठीक है, इतना कर देना है। और उसके बाद अगर आप इसको दोस्तों डेमो सुनना चाहते हो कि आपका वॉइस कैसा लगेगा तो यहाँ पे आपको प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, इसको सुन भी सकते हो। उसके बाद जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको अप्लाई। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना और लास्ट स्टेप आपका बचता है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का, यहाँ पे आपको नॉर्मलाइज करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपने जो भी अपनी ऑडियो में एडिटिंग किया हुआ है इसको नॉर्मलाइज करने पर आपको पता नहीं चलेगा कि इस ऑडियो को एडिट किया गया है नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको लास्ट में इसको नॉर्मलाइज कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे जो ऑडियो थी वो पहले जैसे यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको घबराना नहीं, आपकी ये ऑडियो एडिट हो चुकी है, बस इसका टाइमलाइन चेंज हुआ है। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है, उसके बाद दोस्तों आपकी जो ऑडियो होगी वो यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से एडिट हो जाएगी। बस आपको इतना ही करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इस ऑडियो को करना है सेव। तो सेव के लिए यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना और यहाँ से आप जो भी अपने फाइल का नेम देना चाहते हो यहाँ पे अपना नेम चेंज कर देना और यहाँ पे MP4 रहने देना और यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे इस पर क्लिक करके अपनी ऑडियो को सेव कर लेना।
बस दोस्तों आपको इतना ही करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी बहुत ही आसानी से अपनी ऑडियो को क्रिस्प और प्रोफेशनल बना सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।